आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप फेसबुक एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, यहाँ पर आपको स्टोरीज पर लिखा हुआ है नो इंटरनेट कनेक्शन, स्टोरीज कुड नॉट लोड, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। दोस्तों आपको यहाँ पर यही सवाल है कि अब मैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ मेरे मोबाइल में इंटरनेट ऑन है तब भी वर्क नहीं करते। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात बताता चलूँ, ये सर्वर की वजह से भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरी बात ये आपके मोबाइल में इंटरनेट ऑफ होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको तीन मेथड बताने वाला हूँ, आपने मेरे मेथड को फॉलो ज़रूर करनी तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ये करना कि मोबाइल की स्क्रीन पे जाने और आपने ऊपर मोबाइल की सेटिंग में जाने। तो आप जैसे ही मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे आपने यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने वो सिम सेलेक्ट करनी जिस पर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। तो मैं सिम 2 यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम लिखा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ऊपर आपको तीन डॉट राइट साइड पर आपको लिखा होगा तीन डॉट, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने इसको रिसेट करना है, ठीक है फ्रेंड। अब इसको रिसेट कर लेते हैं इंटरनेट, ठीक है। फिर आपने बैको की जाने और यहाँ पर आपको लिखा होगा दोस्तों प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो मर्जी आप वो इंटरनेट सेलेक्ट कर सकते, चाहे 3G आपके एरिया में काम करो या 4G वो आप सेलेक्ट कर सकते। यहाँ पर मैंने 3G ऑलरेडी मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। अब ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर रोमिंग लिखा होगा, ठीक है। अगर ये आपका ऑफ है दोस्तों तो आपने इसको ऑन रखना है, ठीक है। अब जैसे इसको ऑन रखेंगे फिर आपको यहाँ पर मोबाइल डेटा आपने चेक करना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। अब मैं यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर जाता हूँ और यहाँ जो है फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम फिक्स हुआ है, एक तो ये दोस्तों। दूसरा ये है कि आपने मोबाइल की सेटिंग में फ्रेंड यहाँ पर जाने और यहाँ पर आपने ये स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आपको लिखा होगा ऐप मैनेजमेंट, आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने ऐप सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपने ये करना कि फेसबुक को आपने सर्च करना, यहाँ पर इस पर सर्च इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर चेक करने के तब आपने सारी परमिशन या अलाउ कर लेनी है। इसके बाद बैंक के जाने, यहाँ पर दोस्तों आपने ये करना है कि मोबाइल में जो डेट एंड टाइम है वो भी आपने सही कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने ये करना है कि आपने प्ले स्टोर में एक बार विजिट करना है और यहाँ पर मैं प्ले स्टोर आपको दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर में फ्रेंड आपने सर्च करना है फेसबुक, अगर फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट्स के लिए अवेलेबल है तो आपने फेसबुक एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से चीज़ों को फॉलो करते हुए आप एक बार ये करें कि आपका मोबाइल का जो डेटा है आप इसको एक बार एरोप्लेन मोड को आप ऑन करें फिर आप इसको ऑफ करें। तो इस तरह से दोस्तों आप दोबारा अपना फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ करते हुए आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, नो इंटरनेट का जो प्रॉब्लम आपको आ रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।